बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसे हमने पहले पढ़ा था, हमने कॉन्टिनेंट्स को पढ़ा था, और आज हम जो है क्लास 8 सब्जेक्ट जो है सोशल स्टडी, उसका जो आज टॉपिक है वो कौन सा है? सी मूवमेंट। आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि सी जो है, समंदर है, ओशन जो है, वो क्या हर टाइम मूवमेंट में होते हैं, हर टाइम मूवमेंट में होते हैं। वो क्यों होते हैं, आज वो हम पढ़ेंगे। सी मूवमेंट क्यों, के क्या है सी मूवमेंट? द हाइड्रोस्फीयर नेवर रिमेन स्टैंड राइधर, इट इज ऑलवेज इन मोशन। जो हाइड्रोस्फीयर होता है, पानी होता है, वो हर टाइम किस में होता है? मोशन में होता है। क्यों मोशन में होता है? क्योंकि जो है इसके जो है दीज मोशन मूवमेंट्स आर थ्री टाइप्स, तीन जो है सी मूवमेंट्स जो है उनके तीन टाइप्स हैं। कौन से तीन टाइप्स हैं? फर्स्ट जो है वेव्स, आपने देखे होंगे कि सी में वेव्स होती रहती हैं, लहरें होती रहती हैं। वो क्यों होती हैं? वो सेकंड जो है वो है टाइड्स, और थर्ड जो है करंट। अब इन तीनों के प्रोसेस है कि ये तीनों जो है वेव्स, टाइड्स और करंट, इनके रीजंस होंगे, काजेज होंगे कि किस वजह से ये सी में होते हैं। तो फर्स्ट हमें किस पे आना है? वेव्स पे, कि वेव्स होते क्यों हैं, वेव्स किस तरीके के होते हैं, कितने बड़े होते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। कि क्या कह रहा है? व्हेन वेव्स बिलो द लेवल ऑफ वाटर स्टार्ट राइजिंग अप एंड डाउन, व्हिच इज कॉल्ड अ वेव्स। मीन्स वेव्स हैं क्या? पानी जो है अपर सरफेस ऑफ सी या वाटर, वो क्या करें? राइजिंग अप एंड डाउन। क्या करें? राइजिंग अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे हो, इसको हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। मगर होते क्यों हैं? ड्यू टू द विंड फोर्स, हवा की फोर्स की वजह से। जब हमारे हमारे सरफेस पे, वाटर सरफेस पे जब विंड लगती है, तो क्या इसको सरफेस वाटर को फोर्स लगता है? नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर गया, फिर फोर्स लगी, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। इसी तरीके से एक क्या वेव्स बनते हैं, क्या बनते हैं? वेव्स बनते हैं। अब उन वेव्स में क्या है, वो क्या होता है? एक जो है ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे। जो ऊपर वाली साइड है उसको हम क्या कहेंगे? पीक, चोटी हम कहते हैं ना पीक, उसको पीक कहेंगे। और जो नीचे आया, नीचे वाला कोना, उसको क्या कहेंगे? ट्रफ। उसको क्या कहेंगे? ट्रफ। ये क्या है? मेब। और वेव्स कितने होते हैं? मैक्सिमम 15 मीटर्स तक होते हैं, 15 मीटर के भी वेव्स होते हैं। और वेव्स में क्या होता है? अब जो है विंड, अब क्या है? हाई एंड लो विंड काज क्या होते हैं? हाई एंड लो वेव्स। जब हाई विंड लगेगी तो क्या होगा? हाई टाइड्स, ओ सॉरी, हाई वेव्स बनेंगे, और लो विंड होगी तो लो वेव्स बनेंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्या था? हाँ, एक हमारा टॉपिक किस पे? वेव्स पे। और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? टाइड्स पढ़ेंगे। टाइड्स में क्या है? टाइड्स क्यों बनते हैं? टाइड्स इन वेव्स से भी बड़े होते हैं। तो क्या कह रहा है? टाइड्स आर बेसिकली द राइजिंग एंड फॉल ऑफ द सी वाटर। उसी तरीके से राइजिंग एंड फॉल ऑफ द सी वाटर। टाइड्स आर कॉज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून। वो क्यों बनते हैं? ग्रेविटी फोर्स ऑफ द सन एंड मून, उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स और टाइड्स बनते हैं। अब वो क्या है, किस पे ज्यादा बनते हैं? ज्यादा जो है, ज्यादा ग्रेविटी किसकी होती है? मून की। क्यों?
क्योंकि मून हैव द स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उस पर ज़्यादा बंदे स्ट्रॉन्गर फोर्स मून की ग्रेविटी क्यों है, बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द अर्थ, जो मून है